भाइयों, जो ये हथियार, गोला बारूद जो आप हमारे हाथ में देख रहे हो, ये वो हथियार है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाने वाले भारत में भाजपा सरकार ने अपने ही देश के किसानों के ऊपर इस्तेमाल किए, उन किसानों के ऊपर इस्तेमाल किए जो अपना पेट खाली रख के पूरे देश का पेट भरने का काम करते हैं। ये देखो, जो मेरे हाथ में जो ये हथियार है ना, इसको बोलते हैं इंजेक्टर मोर्टार। इसके बारे में जब गूगल सर्च करा तो पता लगा इसका इस्तेमाल किया जाता है कहीं पर बंदी हुई बिल्डिंग में, कहीं आतंकवादी छुपे हुए हो तो गेट तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनका इस्तेमाल कराया गया किसानों के ऊपर। भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता, गैर राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ता अभिमन्यु कोहाड़ ने एक बार फिर से बड़ा आरोप सरकार पर लगाते हुए उसे बेनकाब करने का काम किया है। अभिमन्यु कोहाड़ का कहना है कि जिस तरह से मौजूदा सरकार ने किसानों पर जुल्म ढाए हैं, उनकी दास्तान और उनकी लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। ये वो कील है जो सड़कों पर गाड़ी गई किसानों का रास्ता रोकने के लिए, ताकि वो अपने देश की राजधानी दिल्ली में ना जा सके। ये है स्टन शेल, इसके बारे में आप गूगल पर सर्च करो, अगर ये किसी इंसान के पास फट जावे ये तो उस इंसान की मौत भी हो सकती है। ये देखो, ये वही इंजेक्टर मोर्टार है। ये देखो, ये भी गैस गन है या भी, जो इन्होंने किसानों के ऊपर इस्तेमाल करे। ये सबसे खतरनाक जो चीज आप गूगल पर सर्च करना, इसका नाम है हिल्टी हिट RE0। इसके बारे में जब हमने गूगल सर्च कराया तो पता लगा ये बहुत खतरनाक तौर का हथियार है। खतरनाक तौर की गैस निकलती है और इससे निकलने वाली गैस किसी व्यक्ति की आंखों को परमानेंट नुकसान भी पहुंचा सकती है, उस इंसान की फर्टिलिटी यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता पे भी असर पड़ सकता है, उस इंसान के जीन्स के ऊपर, उसके जेनेटिक्स के ऊपर भी असर पड़ सकता है। आप इसी तरीके से देखोगे, ये वो खोल है जो इन्होंने किसानों के ऊपर जो छर्रे इस्तेमाल करे, जिनके कारण 5 से अधिक नौजवान भाइयों की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। इन्होंने हमारे भाई शुभकर्ण को सीधी गोली मारी। ये देखो, ये स्प्रे करने वाले हैं किसानों की आंखों में, इन्होंने स्प्रे करे फिर उसके बाद उनको अगवा करके उनको पीटा भी। इस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल अपने ही देश के अन्नदाता के साथ किया जा रहा है। मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सारी चीजों को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। राजनेता कोशिश करेंगे इस समय आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने की, जातिवाद के नाम पर बांटने की, लेकिन हमने ये नहीं भूलना कि हमारे ऊपर 10 साल में कितने जुल्म करे हैं। शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे, हमारे और बॉर्डर पे कितने जुल्म करे हैं। पिछले आंदोलन में हमारे 750 किसान शहीद हुए, उनको नहीं भूलना है, उनको याद रखना है, अपने दिमाग में ये फिट रखना है। ये चीजें इंटरनेशनल ट्रीटियों के अनुसार भी बैन है, लेकिन फिर भी सरकार ने, तनाइछाई सरकार ने किसानों के ऊपर इस्तेमाल करी।